हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूं मैं आप सभी का। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शिफ्ट 4 का क्वेश्चन पेपर, और मेरे पास जो सीरीज कोड है वो ए है, और यहां पर लैंग्वेज 2 के हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो भी आपके प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार के आपके क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे, और मेरे अकॉर्डिंग जो भी इसका मोस्ट प्रोबेबली जो आंसर होगा, जो सटीक उत्तर होगा, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ओके, सो 61 क्वेश्चन आपका पूछा गया था। यू डैश बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ हैविंग मेड सच अ कमेंट। अब इस क्वेश्चन में आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर फॉर 61 क्वेश्चन। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है ही चेज्ड द थीफ एज फार एज ही। अब यहां पर एज फार एज के साथ क्या हम लगाएंगे, हम यहाँ पे कुड लगाएंगे। सो ही चेज्ड द थीफ As far as he could. Next है the car seemed to have. अब यहाँ पे आपको करेक्ट idiom बताना था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा vanished into thin air. So 63 का होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। 64 में ड्रामा का ओरिजिनेशन पूछा गया था। सो ड्रामा इज बेसिकली कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, तो यहाँ पर ग्रीक के अकॉर्डिंग ग्रीस होगा, क्योंकि ग्रीस शहर में ही जो राज्य है, जो देश था, उसमें बेसिकली ग्रीक भाषा को यूज किया जाता था, तो इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है अनऑक्टेव इज एन स्टैंजा विद डैश लाइंस। ऑक्टेव की कितनी लाइनें होती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है द 26 लेटर्स ऑफ अल्फाबेट हैव डैश साउंड सिंबल्स। जो 26 आपके लेटर्स हैं उनमें आपसे बेसिकली साउंड पूछा गया था, तो टोटल साउंड आपसे पूछी गई, तो 44 हो जाएगा। 66 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। द फोनेटिक सिंबल ऑफ द अंडरलाइन लेटर इन द वर्ड थिन। अब थिन में थ का सिंबल, थ का साउंड आपको बताना था, तो आंसर हो जाएगा बी। तो 67 का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। 68 में आपसे लंग का ट्रांसक्रिप्शन पूछा गया था, तो इसका सही ट्रांसक्रिप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में द वर्ड हैविंग द साउंड ऑफ, अब यहाँ पे ये जो सिंबल है इसमें कौन सा साउंड होगा, तो इसका जो करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पेयर होगा इसका करेक्ट आंसर। 17th क्वेश्चन है एच इज अ डैश साउंड। एच जो साउंड है वो किसमें आएगा, तो यहाँ पर वॉइस लेस विल बी राइट आंसर। सो 70 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इज वॉइस लेस। क्वेश्चन नंबर 71 में एक्सप्रेशन शुड बी इंपेरेटिव इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सो 71 क्वेश्चन का जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, यहाँ बोला गया कि एक्सप्रेशन शुड बी इम्प्रेसिव, तो ये जो है एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस के अंदर ही इसको इम्प्लाई किया जाता है, तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने इसका ए आंसर लगाया था वो बिल्कुल करेक्ट होगा। 72 में बोला गया था कि फ्रीडम ऑन पार्ट ऑफ द स्पीकर इज असेंशियल, तो यहाँ पे फ्रीडम ऑन द पार्ट ऑफ स्पीकर में बोला गया कि किसमें जरूरी है, तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली आंसर इसका सी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है डैश इज एन एडवांटेज ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। एडवांटेज पूछा गया था कम्युनिकेटिव अप्रोच का क्या होता है, तो सबसे बड़ा एडवांटेज हमें पता है कि स्पीच पे होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट। 74 ये जो क्वेश्चन है 74 वाला, ये आई थिंक मुझे लगता है कि आप सबको इसमें बोनस मिलेगा, बिकॉज जो ये क्वेश्चन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज हर लैंग्वेज की स्क्रिप्ट भी होती है, लैंग्वेज में जेस्चर भी है, लैंग्वेज में साउंड भी होता है, और लैंग्वेज में फीलिंग भी, सारी चीजें होती है। तो आप देखते हैं कि बोर्ड इसका क्या आंसर मानता है, और मोस्ट प्रोबेबली इसको बोनस अंक मिलना चाहिए, तो इसका मेरे को बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं है 74 क्वेश्चन का। ठीक है, और तो इसको मैं इसी तरह से अभी बोर्ड के ऊपर छोड़ देती हूँ कि क्या होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ अ बंगाली फैमिली लिव्स इन दिल्ली द चिल्ड्रन इन द फैमिली विल लर्न डैश इन फैमिली एंड डैश फ्रॉम द एनवायरमेंट। अब देखो यहाँ पर एक ये मल्टी लिंग्विज्म से क्वेश्चन आया हुआ था कि एक बंगाली फैमिली है जो दिल्ली में रहती है, तो जो भाषा है वो कौन कौन सी भाषा को वो लर्न करेंगे। तो पहली बात, अगर बंगाली फैमिली है और अगर वो फैमिली के साथ रहती है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि बंगाली तो जरूर होगी। ठीक है, तो बंगाली तो वो जरूर ही करेंगे। अब आपकी भी कोई नेटिव लैंग्वेज है जो आप अपने घर में यूज करते हैं, ठीक है, तो बंगाली फैमिली है तो घर में जरूर फैमिली में बंगाली लैंग्वेज ये लोग बोलते होंगे। ठीक है, ये एक चांस है, और दिल्ली में है तो मे बी, मेरे अकॉर्डिंग इसका बी होना चाहिए, बाकी आई एम नॉट श्योर, 50-50 मुझे इसका लग रहा है ए और बी में, तो इसमें बी होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे. इवैल्यूएशन इज डन ऑन टू बेसिक्स. इवैल्यूएशन जो है वो दो बेसिक्स में किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फॉर्मेटिव एंड समेटिव. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन मेनली वी यूज, तो यहाँ पर फॉर्मेटिव एंड समेटिव इसका करेक्ट होगा. नेक्स्ट है द कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इन्वॉल्व्स. कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में क्या शामिल है, तो 77 का आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव विल बी राइट. नेक्स्ट आता है क्लास मैगजीन्स इज एन एग्जांपल ऑफ. तो देखो ये जो क्वेश्चन आपका क्लास मैगजीन वाला आया हुआ था, इसमें क्या है कि अगर आप क्लास मैगजीन प्रिपेयर करवा रहे हैं तो वो एक जो पार्ट है ना वो प्रोजेक्ट के अंदर आएगा. तो यहाँ पर 20 का करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज इसमें क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ना मैगजीन्स में और पार्टिसिपेट वगैरह करते हैं, तो पार्टिसिपेशन यहाँ ज्यादा है, ग्रुप वर्क यहाँ पे ज्यादा है, तो क्लास मैगजीन जो है वो प्रोजेक्ट वर्क के अंदर आता है. नेक्स्ट है वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेमेडियल वर्क इज टू. 79 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, रेमेडियल वर्क का ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, तो यहाँ पर बी हो जाएगा, आइडेंटिफाई द केसेस हु आर लैक इन स्टडीज. जिनको लैक है स्टडी में उनको आइडेंटिफाई करना. ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका बी होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली. बाकी देखते हैं कि फाइनल आंसर में क्या माना जाता है. और 80 क्वेश्चन में भी जो राइट आंसर होगा कि भाई पेरेंट्स के साथ ना उनको लगे रहना चाहिए, टीचर को मतलब पेरेंट्स के साथ डिस्कशन करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा हेल्प इन आइडेंटिफाई द कॉज बिहाइंड चाइल्ड लैगिंग. ठीक है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा 80 क्वेश्चन का. तो 79 एंड 80 दोनों का आंसर बी होना चाहिए. आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट में बोला गया था डू यू लाइक टू ईट पिज्जा, डू यू प्रेफर अ हैमबर्गर. अब इसमें आप क्या यूज करेंगे कंबाइन करने के लिए, तो इसमें लिंकिंग वर्ड से क्वेश्चन, लिंकिंग डिवाइस से क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा, हम यहाँ पे चॉइस दे रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम और का यूज करेंगे. डू यू लाइक टू ईट पिज्जा और हैमबर्गर. ठीक है, तो यहाँ पे और होगा इसका करेक्ट बी आंसर. नेक्स्ट है आपका आई एम श्योर इट इज ट्रू. अब इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा दैट. ठीक है, 82 का हो जाएगा आंसर डी. 83 का मैनी अ मैन डैश डन दिस. तो यहाँ पे आपको टेंस के अकॉर्डिंग भी देखना था, मैनी अ है तो सिंगुलर आएगा और सिंगुलर के बाद यहाँ पे हैज डन आएगा. ठीक है, तो 83 का हो जाएगा आंसर बी. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है गोल्ड एंड सिल्वर. तो गोल्ड एंड सिल्वर के साथ क्या आएगा, तो यहाँ पे प्रेशियस मेटल्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे आर प्रेशियस मेटल्स इसका करेक्ट होगा. ओके, आगे बढ़ेंगे. 85 में बोला गया था डैश नो वन हैड अ वर्ड फॉर इट द अंडरलाइन वर्ड इन द लाइन. तो ये पैसेज से पूछा गया था कि इट के लिए हम क्या यूज किया गया पैसेज में, तो पैसेज में इट के लिए बोट को यूज किया गया है. ठीक है, तो 85 का आंसर क्या बनेगा, ए बनेगा. आगे बढ़ेंगे. फिर आपका पोएम से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, तो फर्स्ट है ब्लू एज विंग्स ऑफ द हेलनॉक विंड. तो यहाँ पर देखो 86 का जो करेक्ट होगा वो होगा एज विंग्स का यूज किया है, सिमिली हो जाएगा इसका करेक्ट. 87 में राइम स्कीम इस स्टैंजा की पूछी गई थी, तो देख लो डे के वाइल्ड चाइल्ड, तो यहाँ पे ए ए बी बी जो है वो करेक्ट होगा. ठीक है, तो ए ए बी बी के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा 87 का ए. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. द प्लॉट ऑफ द स्टोरी मे बी. अब किसी भी स्टोरी का जो प्लॉट होता है वो किस तरह का हो सकता है, तो इसमें हम ऑल के साथ जाएंगे. प्लॉट ट्रेजिक भी हो सकता है, कॉमिक भी हो सकता है और स्टैरिक भी हो सकता है, तो यहाँ पे डी इसका करेक्ट होगा. उसके बाद डेविड वॉज द वॉल ऑफ आर क्रिकेट टीम. तो डेविड को क्या कहा गया कि वो हमारी क्रिकेट टीम का वॉल है, यानी मेटाफर यहाँ पर बोला गया है, मेटाफर विल बी राइट. उसके बाद 90th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो ऑब्जेक्ट्स है जहां पर आप ऐसे उनके बारे में आप दिखाते हो जैसे कि उनके अंदर इंटेलिजेंस है, लाइफ है, तो दिस इज रिलेटेड टू पर्सोनिफिकेशन, जहां पे ह्यूमन क्वालिटी या ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स हम दे देते हैं नॉन लिविंग या एब्स्ट्रैक्ट जो चीजें हैं उनको. तो यहाँ पर 90 का आंसर होगा ऑप्शन सी, पर्सोनिफिकेशन. ठीक है, सो गाइस आई होप कि ये सारे आंसर्स आप लोगों ने मैच कर लिया होगा. एंड जिन क्वेश्चन में मुझे डाउट है उसमें से एक क्वेश्चन तो ये जो आपका लैंग्वेज वाला पूछा गया था ना, लैंग्वेज हैज, तो इसमें हो सकता है कि आप सबको इसमें बोनस मिले. ठीक है, तो ये एक चांस है कि बोनस मिल सकता है, बिकॉज सारे ही करेक्ट है. और अगर देखते हैं कि क्या बोर्ड इसका आंसर मानता है, आई एम नॉट श्योर. ज्यादातर मेरे अकॉर्डिंग इसका ए होना चाहिए, बट श्योरिटी नहीं दे सकती मैं कि इसका ए ही होगा. और 75 में भी देखते हैं कि ए बी में से क्या माना जाएगा. वैसे इसका बी ही होगा ज्यादातर, 95% इसका आंसर बी होना चाहिए. ठीक है, बाकी देखते हैं कि अब फाइनल आंसर की में क्या आंसर्स बोर्ड जारी करता है. ठीक है, तब तक थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग एंड इस वीडियो को शेयर जरूर करना जिनका भी इस शिफ्ट में एग्जाम था. ओके, थैंक यू.